नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार डेरा में आपने सुना होगा कि डेरा में ये होता था और वो होता था, मगर जब बात आती है वहां की महिलाओं से पूछने के बारे में तो किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि डेरा में मेरे साथ आखिर कुछ गलत होता था, आखिर ऐसा क्यों। आज जानते हैं, लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और लगातार लोगों से जान रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। और एक ही एक्सपीरियंस निकलता है कि यहाँ पे आके देखे मीडिया और लोग उसके बारे में जो बयान है वो डेरे के खिलाफ दे या डेरे के पक्ष में उसके बाद दे, मगर पहले यहाँ पे आके माहौल देखे। तो जानते हैं कैसा है डेरा सच्चा सौदा का माहौल और डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है? प्रवीण छाबड़ा इंसा। मैम डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। कब से जुड़े हो? 42 साल हो गए। क्या करते हो मैम? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैम आप एक मतलब आप पूरा एक का पूरा एक घर चलाते हो, काफ़ी समझदार हो, तो किस तरीके का माहौल देखा है अपने डेरे? बहुत अच्छा माहौल, इतना तो गर्मी भी नहीं माहौल अच्छा था जितना डेरे में। मैम आरोप जो लगाए गए उसके बारे में? वो सारे झूठे बेबुनियाद हैं, ये सारे बिके हुए हैं, सच तो दिखाते नहीं। जो अच्छे काम करते हैं मान्यता भलाई के वो तो दिखाते नहीं, तो वैसे जो बुरे काम वो दिखा देते हैं। मैम गुरुजी के खिलाफ जितनी भी जो खबरें दिखाई गई न्यूज़ में उसके बारे में क्या मानना है? वो सारी झूठी खबरें हैं, कोई भी सारे लंच झूठे लगाए हुए हैं। मैम महिलाएं, आप एक महिला हो, आप भी डेरा सच्चा सौदा आते हो और भी आपकी बेटियां भी आती होंगी, तो किस वो लगता है आपको सुरक्षित हैं यहाँ पे? हाँ जी पूरी सुरक्षित। आप सुरक्षित हैं यहाँ? हाँ जी पूरे सुरक्षित हैं। कभी किसी तरीके की ऐसी घटना नहीं देखी जो मीडिया में दिखाई गई? वो सारी झूठी दिखाई, कुछ भी नहीं ऐसा है। गुरु पे अपने विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। डेरा पे विश्वास है? पूरा विश्वास है। मैम समाज के लिए कुछ किया है क्या गुरुजी ने? मानवता भलाई के बहुत काम किए, जैसे वैश्यावृत्ति है, वैश्य को बुराई से निकाल कर उनका इलाज करवाया, अपनी बेटी बनाया, उन्हें अच्छे परिवारों में शादी की, बेचारे पता नहीं कितना नरक भोगती, कितना स्वर्ग जैसे जीवन जी रही है। मैम आप कहते हो कि गुरुजी ने वैश्याओं तक को भी तार दिया है, तो क्या गुरुजी ने समाज के लिए मतलब लड़कियों के उत्थान के लिए, जैसे आजकल रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टर बिल्डिंग के पे भी कुछ कार्य किया है चरित्र निर्माण के लिए लोगों के? हाँ जी बहुत सारे काम पिताजी ने अच्छे मानता भलाई के सारे काम किए हैं। मैम सरकार से क्या अपील करोगे? यही अपील करते हैं हमारे गुरुजी को छोड़ दो, नशा बढ़ता जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, पिताजी आएंगे ही तो सारा कुछ करेंगे। हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, 25 साल का बेटा हो गया, नशों की तरफ नहीं, इतनी अच्छी शिक्षा पिताजी ने दी हुई, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, हमारे बच्चे अभी तक नशे की तरफ नहीं दौड़े, इतने संस्कार हम नहीं दे पाते जितने हमारे बच्चों के पिताजी ने संस्कार दिए। मैम समाज को गुरुजी की जरूरत है? बहुत जरूरत है। मैम ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स को जानते हो? हाँ जी जानते हैं, मैं खुद ग्रीनेस ड्रेस ले रखी, मेरे बच्चों ने ले रखी है। क्या करते हो मैम ये ड्रेस पहन के आप? हम सेवा करते हैं, जैसे कोई कहीं आग लग जाए या कोई जरूरत वहाँ पहुँच जाते हैं ड्रेस डाल के। तो मैम आप लोगों को कोई तनख्वाह वगैरह? ना हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हम तो वैसे गुरुजी की शिक्षा पे चल रहे हैं सारे। मैम अगर आप लोगों का किसी कारणवश वहाँ पर दुर्घटना कारणवश किसी मृत्यु वगैरह ऐसे चीज घट जाती है घटना, तो क्या होता है मैम? तो किसी तरीके की तनख्वाह वगैरह ली जाती है? हाँ जी, ना तनख्वाह नहीं लेते, सेवा पे ही जाते हैं सारे। तो मैम आप लोग अपने घर की भी परवाह नहीं करते हो, लोगों की मतलब वहाँ पहुँच जाते हो मदद करने के लिए? हाँ किसकी प्रेरणा से मैम? पिताजी की प्रेरणा। मैम आपको दर्द नहीं होता कि आप लोग मतलब एक अपने परिवार को छोड़ रहे हो, आप लोग वहाँ जा रहे हो, उसके बाद आप लोगों के बारे में मीडिया इतना गलत दिखा रही है? हमें कोई परवाह नहीं किसी की, हम तो खुद परिवार छोड़ के जाते हैं, हमारे बच्चे भी साथ जाते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे मैम? यही अपील करते हैं गुरुजी को छोड़ दो, ऐसे चैनलों पर आपका सच दिखाया जाए। किस तरीके से सच तो दिखाते ही नहीं, दिखाएंगे नहीं सच, क्यों बिके हुए ना सारे, कोई नहीं दिखाता सच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चों को गुरुजी ने ये प्रेरणा दी है कि आप जाइए और वहाँ पर जिसको ज़रूरत है वहाँ पर, चाहे आग लगी हो चाहे भूकंप लगी हो, वो ट्रेनिंग भी दी जाती है, वहाँ से लोगों को निकालिए और बचा के लाइए। मगर जो दर्द भरी खबर वो ये है इस वक्त की कि इनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता, इनके पक्ष में तो दिखाना दूर की बात है, विपक्ष में और दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके की तनख्वाह नहीं लेते, एक फौजी की तरह, एक फोर्स की तरह हमेशा कार्यरत रहते हैं 24 घंटे। आप कभी भी याद कर लीजिए ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स को। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं है? क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? क्या है आपकी राय इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत